Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about few reactions and rusting of iron and the methods of prevention of rusting. So the third type of reaction which comes in the series is displacement reaction or we can also known as matter replaced. जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक reaction आपको given है AB plus C gives A plus BC. अब इसमें क्या चीज़ समझ में आती है हमारे, इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है जो हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा कि जो कंपाउंड है उससे उसके किसी एक पार्ट को अलग कर देगा. जैसे यहाँ पे ए बी था तो उसने ए को अकेला छोड़ दिया है और वो उसने बी को अपने साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि सी क्या है, हाईली रिएक्टिव है बी से. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब क्या कर दिया है, बी को डिस्प्लेस कर दिया है सी ने और अपने साथ क्या करा लिया है, ज्वाइन करा लिया है. ठीक है, और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द डिस्प्लेसिंग एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज. कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो उनकी पोजिशन बताती है रिएक्टिविटी सीरीज में. मतलब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास कौन सा है. तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो हमेशा लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा. अब इसी का एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हम अगर मान लो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, CuSO4 है, अगर आप उसको Fe आयरन के साथ क्या करा रहे हैं, ट्रीट कराते हैं, तो जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, FeSO4 प्लस Cu. मतलब जो सी है यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, उसका एफ ई प्ले कर रहा है, ए बी की जगह CuSO4 है हमारे पास. और जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर तो अकेला रह जाएगा ए की जगह पे और बी सी क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होती है. इसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Na2S प्लस HCl का हम रिएक्शन करा रहे हैं तो NaCl प्लस H2S बन रहा है हमारे पास. Na2S को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर दो तो सोडियम के एटम हैं और एक हमारे पास क्या है, सल्फर का है पार्टिकल है. अब HCl में क्या है, एक H का है और एक Cl का है. तो अभी जो दो Na के हैं इन्होंने, इनमें से एक Na किसके साथ चला गया, एक Cl के साथ चला गया और बन गया NaCl. और यहाँ पे H जो हमारे पास HCl था इसका क्या हुआ, इसमें से दो H और एक H के साथ चला गया तो ये बन गया H2S. दोनों साइड जो हमारी रिएक्शन क्या है वो इस टाइप से बैलेंस हो गई है. सो स्टूडेंट्स इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर आपने याद हो आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का के बारे में पढ़ते थे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बिल्कुल सेम चीज़ होती थी. अगर मान लो आप HCl को ट्रीट करा रहे हैं NaOH के साथ, हमारे पास मान लो यहाँ Na2S की जगह NaOH है और HCl के साथ हम उसको ट्रीट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाता था, उससे सेम NaCl बनता था एक तो, और प्लस H2O बन जाता था. तो उसमें भी क्या होता था कि जो रेडिकल्स होते हैं, मतलब जो साथ वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो म्यूचुअली क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते थे. एसिड बेस के साथ मिलकर आपको सॉल्ट देता था और वाटर देता था. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डबल इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं रेडिकल्स को. और डिकम्पोजिशन मतलब दे आर जस्ट शिफ्टिंग देयर प्लेसेस फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. और इस तरह से आप न्यूट्रलाइजेशन की और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनमें से कोई भी लेकर के आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. बस आपको ये समझना है कि इसमें हमारा जो रेडिकल्स हैं वो शिफ्ट होते हैं. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. अब जो आयरन है वो बहुत पॉपुलरली यूज क्या है, मेटल है हमारे प्लैनेट अर्थ पे और इसके आपको पता है कार्स, ब्रिजेस, फर्नीचर्स, गेट्स, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है. बट अगर यही आयरन आपका मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो इसका स्लो ऑक्सीडेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका कलर कुछ इस टाइप का हो जाता है, जैसा आपको यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का. और धीरे धीरे फिर क्या होता है, लेयर बाय लेयर ये वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं. अब जो रस्टिंग है उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन है जो गिवन है, जिसको हम केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग भी बोलते हैं. इसकी हेल्प से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रस्टिंग
होती कैसे है। जब आयरन जो होता है हमारे पास, कोई भी आयरन आर्टिकल, उसको मिल जाता है वाटर और ऑक्सीजन, मतलब जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वाटर उसको मॉइस्चर की फॉर्म में भी मिल सकता है एयर से, और ऑक्सीजन तो एयर में पहले से ही होता है, तो मतलब जहाँ पर भी मॉइस्ट एयर होगी और वहाँ पे अगर आपका कोई आयरन आर्टिकल, जैसे यहाँ पे ये आपको एक बार से दिखाई दे रहा है आई शेप्ड आयरन का, जब ये दोनों चीज़ें से मिल जाएंगी तब क्या हो जाएगा, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी और उसकी वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन से आयरन ऑक्साइड में Fe2O3.H2O। यहाँ पर ये H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके साथ, क्योंकि आयरन को रस्ट होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ों की क्या है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं होगी तो रस्टिंग क्या होगा, वहीं पर ही आपका स्टॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द केमिस्ट्री बिहाइंड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्योंकि रस्टिंग होने की वजह से मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा जो आयरन है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कोरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन जो है बहुत वाइटल आपके पास एलिमेंट है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे, हमारी फर्नीचर, व्हीकल्स और टूल्स एंड ऐसी, मैं तो मानता नहीं हूँ कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके अंदर हमारा आयरन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आयरन आपको सब जगह दिख ही जाएगा आपके, चाहे वो फिटिंग्स हो, चाहे वो हैंडल्स हो, एवरीवेयर आयरन हैज़ सम रोल। सो इसे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके बुक के अंदर भी गिवन है, और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अलॉइंग करते हैं। अलॉइंग मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना मेटल का मेटल के साथ, मेटल या नॉन मेटल के साथ, ताकि जो क्वालिटी है उसको और इन्हेंस किया जा सके मेटल की, उसको हम बोलते हैं अलॉइंग। अब जैसे स्टील जो है वो भी आयरन का ही क्या होता है, अलॉय होता है, जो आपके आयरन और कार्बन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, जिससे जो रस्टिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ख़त्म कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे हमारे घर पे यूटेंसिल्स होते हैं और स्पून्स वगैरह होती हैं, सब किसकी होती हैं, वो स्टील की होती हैं, वो इसीलिए स्टील की होती हैं ताकि हम वो आयरन के इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में वो बार बार आके रस्टिंग होकर ख़राब हो जाएंगी, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, अलॉयज़ बनाते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील है हमारे पास, जिसके हमारे बर्तन होते हैं मोस्टली घरों में, वो भी क्या है, एक अलॉय है जो आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है। उसके अंदर और भी क्रोमियम और निकल भी क्या होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर होते हैं। सो ये जो क्रोमियम और निकल होते हैं, इनका रोल क्या होता है, जब इन्हें आयरन के साथ मिला के स्टील बनाया जाता है, इनका रोल ये होता है कि रस्टिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है स्कैरिफिशियल प्रोटेक्शन। स्कैरिफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, जैसे मैग्नीशियम और जिंक, जिससे रस्टिंग को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद एक और मेथड आता है हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो आयरन या स्टील के हमारे पास शीट्स होती हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई भी टूल्स वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। और लेयर इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो उसका रिएक्शन नहीं होगा और कोरोजन भी नहीं होगा और रस्टिंग भी नहीं होगी। अभी गैल्वेनाइजेशन होता कैसे है, हम क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स के अंदर क्या किया जाता है, जो आपका जिंक होता है उसको मोल्टन स्टेट में रखा जाता है। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई फॉर्म में, और पिघली हुई फॉर्म से क्या होता है, क्योंकि पिघली हुई फॉर्म इजीली किसी के ऊपर भी स्टिक कर जाएगी मेटल की, उसके अंदर आयरन के आर्टिकल्स को डिप किया जाता है, तो जिंक अपनी एक लेयर बना लेता है उन आयरन आर्टिकल्स के ऊपर और उसकी लेयर से चिपक जाता है। इस टाइप से चिपकने को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें ठंडा कर दिया जाता है, और ठंडा होने के बाद जो जिंक की लेयर होती है वो एक तरह से परमानेंट तरह से क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, एंड फिर उसका कोरोजन रुक जाता है। अब इसके पास हमारे पास नेक्स्ट मेथड एक और है, टिन प्लेटिंग या फिर इसको टिनिंग भी कहते हैं। इसमें सेम बिल्कुल जैसा गैल्वेनाइजेशन की तरह था कि हम मोल्टन टिन लेते हैं किसी एक बड़े चैम्बर के अंदर या एक बड़े उसके अंदर, किसी भी बड़े जो वो होते हैं हमारे पास वहाँ पे, उसके अंदर क्या किया जाता है, टिन को पिघलाया जाता है, मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, और उसके अंदर फिर क्या किया जाता है, ये जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं इनको डिप किया जाता है। डिप करने के बाद फिर से एक पतली सी कोटिंग जो होती है हमारी टिन की, वो उनके ऊपर चढ़ जाती है, और उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा आयरन आर्टिकल है वो वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। अब वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है तो मतलब क्या होगा, फिर वहाँ पर आपका कोरोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एयर मतलब ऑक्सीजन और प्लस वाटर कोरोजन होने के लिए, तो इनके कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए ही जैसे हमने गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक लेयर बनाई थी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, उसी तरह से टिनिंग में हम टिन की एक लेयर चढ़ा देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो मोस्टली कैंस आते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक कैंस होते हैं या जिनके अंदर हम
और खाने की चीज़ें जो आती हैं हमारे टिन के जो होते हैं और आपके